महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार फुल एक्शन में आ चुकी है। अभी तक शिवसेना का ही हिस्सा होने की वजह से उद्धव ठाकरे से थोड़ा नरमी से पेश आ रहे थे सीएम एकनाथ शिंदे, लेकिन अब फुल फॉर्म में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस सरकार ने शुक्रवार को अचानक से शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के नेताओं के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया है। उद्धव के सहयोगियों को मिली सुरक्षा को घटा दिया गया है। जी, विपक्ष के करीब 25 नेताओं की सुरक्षा को हटाया, घटाया और बढ़ाया भी गया है, जिनमें ज्यादातर कांग्रेस और एनसीपी के नेता हैं। उद्धव की शिवसेना के भी कुछ नेताओं से मिली हुई सुरक्षा को वापस ले लिया गया है। इस खबर का खास हिस्सा ये है कि जिन नेताओं की सुरक्षा घटाई गई है उनमें उद्धव ठाकरे और उनके बेटे का भी नाम शामिल है। जी, ऐसा नहीं है कि बालासाहेब ठाकरे के बेटे होने का मान देते हुए उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे सरकार ने बख्श दिया है, बिल्कुल नहीं बख्शा, बल्कि उद्धव ठाकरे की भी सुरक्षा को काट दिया गया है। शिंदे सरकार ने किस किस की सुरक्षा हटाई? एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री छगन भुजबल, एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, एनसीपी नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवल, एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे, एनसीपी नेता नवाब मलिक, शिवसेना सांसद संजय राउत, शिवसेना के विधायक भास्कर जाधव, युवा सेना के वरुण सरदेसाई की भी सुरक्षा को हटा दिया गया है। शिंदे सरकार ने किस किस की सुरक्षा घटाई? उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे, कांग्रेस विधायक दल के नेता और पूर्व मंत्री बालासाहेब थोराट, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री नितिन राउत, सतेज पाटिल, विजय वडेट्टीवार, सुनील केदार, इन सभी लोगों की सुरक्षा को घटाया गया है। वही उद्धव ठाकरे के निजी सचिव मिलिंद नार्वेकर की सुरक्षा को बढ़ाकर वाई कैटेगरी में डाल दिया गया है। शिंदे सरकार ने शिवसेना सचिव मिलिंद नार्वेकर की सुरक्षा को एक्स प्लस से बढ़ाकर वाई प्लस ग्रेड की सुरक्षा और एस्कॉर्ट भी दिया है। साथ ही एनसीपी नेता जितेंद्र अवार की सुरक्षा भी बरकरार रखी गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार और पूर्व गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल को वाई प्लस एस्कॉर्ट दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण, जो कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। शिंदे सरकार के इस एक्शन से साफ है कि अब गुट बट चुके हैं। उद्धव गुट महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, जबकि शिंदे गुट अलग है और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहा है। अब ये गुट उद्धव गुट के खिलाफ एक्शन लेने से भी गुरेज नहीं कर रहा। वैसे जिस तरह से शिंदे गुट ने किसी की सुरक्षा हटाई, किसी की सुरक्षा घटाई तो किसी की बढ़ाई भी है, ऐसे में शिंदे सरकार की तरफ से महाविकास अघाड़ी गुट में नेताओं को लेकर किए गए इस कैटेगराइजेशन को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।